अगर मैं आपसे कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुपर स्क्रिप्ट कैसे बनता है ये बताइए, तो थोड़ा सा आप हिचक सकते हैं, लेकिन अगर यही बात मैं एमएस वर्ड में कहूं तो आप तुरंत बता देंगे ठीक है। एक्सेल में कैसे बनेगा, एक्सेल में बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक शॉर्टकट की के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको फॉर्मेट सेल्स ओपन करना होता है, वहीं से आपकी सुपर स्क्रिप्ट लगेगी। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ए स्क्वायर, तो यहाँ ए तो लिख दिया, लेकिन जैसे स्क्वायर लिखेंगे तो ये इसके बराबरी में आ रहा है, तो ये तो सुपर स्क्रिप्ट हुआ नहीं, इसके ऊपर लेके आना है ना। तो आप एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, पहले प्रेस कीजिए अल्ट, फिर प्रेस कीजिए एच, फिर प्रेस कीजिए एफ और फिर प्रेस कीजिए एन, हो गया। अब यहाँ से आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है या सब स्क्रिप्ट करना है, यहाँ से आप कर दीजिए ठीक है, समझ में आ रही है बात, और यहां से ओके कर दीजिए। तो अभी आप यहां पर लिखेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया कि नहीं हो गया ठीक है। फिर आपको नॉर्मल आना है, तो नॉर्मल आने के लिए देखिए यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है वापिस से जो मैंने अभी आपको बताई, यानी कि पहले आपको प्रेस करना है अल्ट, फिर प्रेस करना है एच, फिर एफ ठीक है, और फिर प्रेस करना है आपको एन, और यहां से अभी इसको हटाना है तो यहां से अनटिक कर दीजिए आप इसे, ये अनटिक कर दिया और यहां पे अनटिक कर देंगे तो अब ये प्लस लिखेंगे तो नॉर्मल तरीके से लिखेगा। फिर बी स्क्वायर करना है तो फिर आप प्रेस कीजिए यहां पे अल्ट एच ठीक है, फिर प्रेस करना है एफ, फिर प्रेस करना है एन, तो जैसे ही प्रेस करेंगे ये आ जाएगा और फिर आप सुपर स्क्रिप्ट लिखिए और यहां पर आप फिर इसको नॉर्मल करने के लिए अल्ट एच और फिर प्रेस कर दीजिए एफ एन, Alt H F N प्रेस करने से फिर यह आ जाएगा और फिर इसको नॉर्मल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आई होप कि बात समझ में आई होगी। दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या हो सकता है आइए आपको बताता हूं। जैसे A स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करिए ना, कंट्रोल के साथ वन बटन प्रेस कीजिए, जैसे ही प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है ठीक है। अब आप टैब की प्रेस करते हुए यहां पर आ जाइए, देखिए सुपर स्क्रिप्ट करना है तो यहां पर आप टिक कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ये देखिए ये अब लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। फिर अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में करना है तो फिर वही, और यहां पर आकर के और इस पे टिक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए और यहां से एंटर कर दीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।